सकता है, और दिया है तो देखिए क्या भव्य दिया है। राम मंदिर का उत्सव भी इस तरह से मनाने की तैयारी है कि इससे देश का घर घर जुड़ जाए, ऐसा ना लगे कि कार्यक्रम सिर्फ अयोध्या में हो रहा है। अब हर कोई तो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए कैसे सबको जोड़ा जा रहा है उसे भी आपको बताता हूं। अयोध्या से अक्षत यानी पीले रंग के चावल को घर घर पहुंचाया जा रहा है, मतलब आप घर पर भी हैं तो आपको यह फील आना चाहिए कि आप इस कार्यक्रम से कनेक्टेड। अक्षत घर घर भेजने का मतलब है शुभ कार्य की सूचना देना और निमंत्रण देना। अयोध्या से अक्षत पहुंचाने का मतलब है कि सभी को प्रतीकात्मक निमंत्रण देना। नवंबर में राम मंदिर ट्रस्ट ने 100 क्विंटल चावल मंगवाए थे, जिन्हें 1 क्विंटल हल्दी और देसी घी के साथ रंगा गया, और फिर इन पीले चावलों को राम दरबार में पूजा के दौरान रखा गया, और फिर इन्हें देश भर में बांटने के लिए भेजा गया। पीले चावल को बांटने के लिए हर राज्य से संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को अयोध्या बुलाया गया था। हर प्रतिनिधि को 5 किलो पीले चावल दिए गए। इन पीले चावल को अपने अपने इलाके के मंदिर में पूजा के लिए भी भेजा गया। फिर इन्हें जिले के प्रतिनिधियों को दिया गया, जहां से ये ब्लॉक, तहसील और गांव में भेजे जा रहे हैं। 15 जनवरी तक देश के 5 लाख गांव में अयोध्या से पूजित अक्षत यानी पूजा किया गया चावल पहुंचाया जाएगा। 22 जनवरी को पूरा देश राममय करने के लिए 5 लाख गांवों और बस्तियों से एक एक मंदिर को भी शामिल किया गया है। 5 लाख मंदिरों में आरती की तैयारी, अपने अपने गांव में भजन कीर्तन की व्यवस्था की जा रही है। मेरी बस्ती, मेरा इलाका, मेरी अयोध्या के नाम से घर घर गांव गांव में कार्यक्रम हो। लोगों को स्थानीय मंदिरों में और अपने अपने इलाकों में 22 जनवरी वाले दिन उत्सव मनाने के लिए कहा गया है। गांवों कस्बों में टेलीविजन स्क्रीन लगाया जाएगा। नहीं पहले बैठ के देखते थे जब रामायण आती थी, अब पूरा गांव बैठ के देखेगा बॉस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उत्सव यह होने वाला है। यह ऐसा उत्सव होगा जैसा उत्सव शायद ही इस देश ने कभी देखा हो आजादी के बाद। यानी कार्यक्रम सिर्फ अयोध्या का ना रहे, ये पूरे देश का उत्सव बने, पूरे देश को इससे जोड़ा जाए, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। एक खास बात और यह है कि राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भी जो सामान आया है वो भारत के कोने कोने से लाया गया है। यानी राम मंदिर से लोगों को जोड़ा जा रहा है और लोगों से राम मंदिर को भी जोड़ा जा रहा है। जैसे उत्तर भारत में केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिट्टी आई थी, यूपी के एटा में 2100 किलो का घंटा बन रहा है, मंदिर की नींव में मिर्जापुर का पिंक स्टोन लगा है, बिहार से राम मंदिर के मार्ग का राम स्तंभ बन रहा है, झारखंड से मंदिर के लिए मिट्टी आई है, छत्तीसगढ़ से चावल भेजे गए हैं, इसी चावल से श्रीराम का भोग लगेगा, राजस्थान के भरतपुर के पत्थरों से मंदिर बन रहा है, राजस्थान के जोधपुर से घी आया है, पूर्वी भारत में असम से चाय और मसाले भेजे गए हैं, पश्चिम भारत में महाराष्ट्र की लकड़ियों से खिड़की दरवाजे बने हैं, गुजरात से धातु का सामान आया है, गुजरात से ही मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ आया है, दक्षिण भारत में कर्नाटक का ग्रेनाइट मंदिर की नींव में लगा है, केरल के कारीगर स्तंभों की नक्काशी कर रहे हैं, मंदिर के दरवाजे हैदराबाद में बन रहे हैं, रामेश्वरम से 600 किलो की घंटी भेजी गई है। तो बॉस जो कहा जाता है कि ये देश राम का है और राम इस देश के हैं, वो दिख रहा है राम मंदिर में। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का विजन। लोग कोसने को कोस सकते हैं, जिनको सिर्फ आलोचना करनी है कर सकते हैं, ये बीजेपी का कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का। अरे भाई, बीजेपी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, वो छोड़ थोड़ी देंगे, लेकिन उन्होंने देश को जोड़ा है भाई। सबको लगना चाहिए कि ये उनका राम मंदिर है।